करनाल की सहकारी चीनी मिल का आज 44 व पिराई सत्र शुरू हुआ। जिला प्रशासन द्वारा पहले हवन यज्ञ किया गया, उसके बाद पूरे मंत्र उच्चारण के साथ गन्ना पिराई सत्र शुरू किया गया। गौरतलब है कि करनाल की शुगर मिल काफी पुरानी हो चुकी है। चीनी मिल के नवीनीकरण की मांग को लेकर किसान भी कई बार मिल के बाहर धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन आज नई चीनी मिल के नवीनीकरण को लेकर मिल प्रशासन और कंपनी के बीच एग्रीमेंट साइन हुआ। 11 महीने के अंदर किसानों को नया चीनी मिल मिलेगा। इस अवसर पर चीनी मिल में अच्छा गन्ना लाने व अधिक गन्ने की फसल पैदावार करने वाले प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया गया। पिराई सत्र की शुरुआत पर घरौंडा से बीजेपी विधायक हरविंदर कल्याण के साथ इंद्री से बीजेपी विधायक रामकुमार कश्यप व नीलीखेड़ी से आज विधायक धर्मपाल गोंदर मौजूद रहे। जिला प्रशासन की ओर से जिला उपायुक्त विनय प्रताप सिंह व मिल प्रशासन के अधिकारी व कर्मचारी भी उपस्थित थे। 44वां पिराई सत्र शुरू हुआ, क्या कहेंगे आप? देखिए, आज का दिन क्षेत्र के किसानों के लिए, गन्ना किसानों के लिए खास तौर पर आज बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि आज 44वें पिराई सत्र का जो शुभारम्भ करनाल कोऑपरेटिव शुगर मिल में हुआ है, और मैं समझता हूँ कि इससे और बड़ी खुशी जो इलाके को मिली है, जो हमारी नई शुगर मिल का जो कार्य जो प्रारंभ हुआ है, उसका आज एग्रीमेंट भी आज साइन हुआ है कंपनी और मिल प्रशासन के बीच में। और अगले एक साल के अंदर 11 महीने का समय इन्होंने लिया है, लगभग 11 महीने में नई शुगर मिल बनकर तैयार होगी, और उसके बाद क्षेत्र में और भी गन्ने का उत्पादन अगर होगा तो किसानों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। और नई शुगर मिल बनने के बाद जो पुरानी शुगर मिल है उसको भी कुछ समय के लिए रखा जाएगा, और जो शुगर मिल बनेगी वो लगभग 263 करोड़ रुपए की लागत उसमें आएगी, जो कि एक बहुत पुरानी डिमांड थी, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इस डिमांड को पूरा करके पूरे क्षेत्र के ऊपर एक के लिए एक बहुत अच्छा कार्य किया है। सर, शुगर मिल के साथ साथ एक मेरठ रोड को भी फोर लेन किए जाने की बात उन्होंने कही थी, 3 साल हो चुके हैं, 10 दिन में पिछले 10 दिन में 2 मौतें हो चुकी हैं बाइक सवारों की। देखिए, जो मेरठ रोड का जो फोर लेन है उसका अभी फॉरेस्ट्री क्लियरेंस की अभी उसमें अड़चन है, और आने वाले समय में जल्दी उसको पूरा किया जाएगा, क्योंकि उसमें फॉरेस्ट विभाग को लगभग 100 एकड़ ज़मीन सरकार ने देनी है, और सर उस ज़मीन का इंतजाम अभी किया जा रहा है, और जल्दी वो ज़मीन उपलब्ध होते ही जो प्रक्रिया अभी हमारी शुरू है, मुझे उम्मीद है कि अगले 1 महीने के अंदर इस कार्य को पूरा करके और सरकार के पास ट्रांसफ़र के लिए भेजा जाएगा, और जैसे ही वो ज़मीन फॉरेस्ट विभाग को ट्रांसफ़र होगी उसके तुरंत बाद इसका जो NOC है वो मिलने के बाद विभाग इस कार्य को शुरू करेगा।